राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे गेंदा के फूल के बारे में, जो कि गेंदा के फूल को सुंडियां बहुत प्रभावित कर रही हैं इस समय। इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप सुंडी हो या कोई छोटा मोटा लार्वा हो या रेंगने वाले कोई भी रस चूसक हो, तो इस प्रकार के कीटों का नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम आज संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, यदि आप सुंडियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार मार्केट से दवा ला रहे हैं, आप उसका स्प्रे कर रहे हैं और सुंडियां या लार्वा या रस चूसक कीड़े जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको एक ऐसी दवा बताएंगे जो सुंडियों का इस समय के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त है और सुंडियों का अंत कर देती है। रेंगने वाले जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं उनका अंत कर देगी। किसान भाइयों, सुमिल केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्पावर दवा, जो कि इमामेटिन बेंजोनेट 5% SG के नाम से आता है, किसान भाइयों उसको आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर, और सुमिल केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड आता है सुपर स्ट्रॉन्ग के नाम से, जिसमें क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% पाया जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो सुपर स्ट्रांग 505 है, इसकी मात्रा आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसमें मिला सकते हैं सिलिकॉन बेस स्टिकर, जैसे इंडो स्विस केमिकल्स कंपनी का स्विस बेट के नाम से आता है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को उचित मात्रा में मिलाकर आप अपनी खड़ी फसल पर यदि स्प्रे करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको दूसरे दिन देखने को मिल जाएगा। जो रस चूसक सुंडियां हैं या अन्य जो भी प्रकार की सुंडियां हैं, चाहे वो रस चूसक हैं रेंगने वाली या आपके पौधों की तनों में हैं, पौधे के फूल में हैं या पौधों की पत्तियों में हैं, पौधे को खा खा कर या पत्तियों को चबा कर उन्हें नष्ट कर रही हैं, जिससे आपकी उत्पादन में जो है बहुत ही लॉस होता है, उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है, तो इन प्रकार की आप दवाओं को प्रयोग करके आप अपनी इन सुंडियों को बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।